दमदम पार्क तरुण संघा का पंडाल। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग पर आपको दिखा रहे हैं कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल। जहां भी आप जाएंगे, साउथ में, नॉर्थ में, पूरे कोलकाता की गलियों में आपको लोग नजर आएंगे। पूरे साल भर के इंतजार के बाद उनका अपना त्यौहार आता है दुर्गा पूजा, और हर पंडाल में यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और अभी हम आ चुके हैं दमदम पार्क तरुण संघ। मेरे पीछे आप देखिए, इसका थीम बड़ा ही यूनिक है। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध साहित्यकार, उनकी एक नाटक है मुक्तधारा। मुक्तधारा यानी कि नदी अपने निरंतर धारा में बिना मतलब बंधन के बहती जाती है। उसी मुक्तधारा से थीम लिया गया है कि जो राजा है बांध बनाता है, लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं और बांध पर जश्न मनाते हैं। नदी तो बहना चाहती है बिल्कुल मुक्त धारा की तरह, कोई बंधन नहीं चाहती, लेकिन राजा का जो पुत्र था वो सपोर्ट करता है, नेचर को सपोर्ट करता है। एक्चुअल में वो राजा का पुत्र ना होकर के वो प्रकृति का ही पुत्र था, बहते हुए जलधारा के साथ आया था, और जब उसे पता चलता है तो प्रकृति के साथ और वो घनिष्ठ हो जाता है, और वो ऐसा उपाय करता है जिससे वो बांध टूट जाता है। और इस थीम को आधार बना करके ये जो है पैंडल यहाँ पर दमदम पार्क में बनाया गया है। तो अभी हम अंदर चलेंगे और पूरा सीन आपको जब हम आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आपने मुक्तधारा पढ़ी होगी या नाटक देखी होगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। बहुत आप कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं। यहाँ का मतलब पैंडल देखने के लिए? हाँ। और बिल्कुल सामने आप देखिए दमदम पार्क तरुण संघा का पंडाल। इसमें फ्लड्स के ऊपर है, उत्तराखंड में पहाड़ों पर बने घरों के ऊपर है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति बनाई गई है, उनकी लिखी हुई मुक्त धारा के आधार पर इस पंडाल का थीम बनाया गया है। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का यहाँ पर जो है आप इमेज देख सकते हैं, कलाकृति देख सकते हैं, फेमस पोएट साहित्यकार। तो जिस तरह से नेचर के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, उस चीज को, उसी चीख पुकार को यहाँ पर जो है दिखाया गया है। प्रकृति चीखती है, पुकारती है, प्रकृति में वेदना पीड़ा होती है तभी जाकर के वो समस्या करती है मनुष्यों के लिए। तो हम प्रकृति में हस्तक्षेप न करें, हम प्रकृति को डैमेज न करें तो प्रकृति भी हमें डैमेज नहीं करेगी। तो ये चीज इसमें दिखाया गया है। और यहाँ दमदम पार्क में तरुण संघा में हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कैमूर, बिहार से। हमारे क्षेत्र के हैं? कितने वर्षों से यहाँ कोलकाता आ रहे हैं? दस साल से। दस साल से रेगुलर? रेगुलर। तो क्या चीज है यहाँ पर खास चीज जो ये
यहाँ की जो भी चित्र है वही खींची चली आती है, यहाँ का पंडाल वगैरह थीम वगैरह आपको अच्छा लगता है? बहुत सुंदर लगता है। तो हमारा वीडियो देखते हैं? एकदम एकदम। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई ऐसा वीडियो जो बताइए जो आप हाल फिलहाल देखे हो? अभी अभी देख के आप तो आए हैं, अभी का वीडियो देख के कल्याण से आ रहे हम लोग देख के। अच्छा, पूरा वीडियो देख ही जा रहे हैं। और दमदम पार्क तरुण संघा से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, ये भारत चक्र, चक्र। इस पांडल का जो थीम है वो जामदनी साड़ी है। जामदनी साड़ी जिसे हरथगरगा से तैयार होता है और जिसे पहले मलमल कहा जाता था, उसी को आधार बना करके यहाँ पर पैंडल बनाया गया है। उस पर जो है कारीगरी की गई है, डिजाइन बनाया गया है। दमदम पार्क सर्वजनीन, और इसका थीम जो है चित्रकला है, लैंडस्केप लैंडस्केप डिज़ाइन है बिल्डिंग्स के ऊपर, जो अर्बनाइजेशन के ऊपर जितने भी बिल्डिंग्स फ्लैट्स बनते हैं उसको इन्होंने निसर्ग चित्र का नाम दिया है, जो कि अर्बन नॉइज और बोर्डम को दूर करेगा। वही अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसके अंदर जा करके। देखिए, प्रकृति का चित्र, निसर्ग चित्र से वॉल को पूरा सुसज्जित किया जाएगा, यही इसका थीम है। जो भी अर्बनाइजेशन होगा, जितने भी घर बनेंगे, दिखने में अच्छा लगेगा।